बिगफुट, सास्कवॉच, येटी, कई नाम हैं इस क्रिप्टिड क्रीचर के। यही नहीं, कई बार तो इन्हें देखे जाने के दावे भी हो चुके हैं, पर हर एक दावे में ठोस प्रमाण ना होने के कारण विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एशिया हो या अमेरिका, यूरोप हो या अफ्रीका, इसे दुनिया भर में देखे जाने के लगातार दावे होते रहे हैं। तो अगर हम इस जीव के बारे में जाने तो यह 8 से 11 फीट का एक विशाल जीव होता है, जो कि कुछ हद तक गोरिल्ला जैसा दिखता है, पर यह उनसे काफ़ी बड़े होते हैं और इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलते हैं। और यही नहीं, कई बार तो इनके इंसानों के ऊपर हमला करने के कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी रियल स्टोरी है इसी जीव के ऊपर, जिसका नाम है बिगफुट। और यही नहीं, आगे हम आपको इंडियन आर्मी द्वारा जारी किया एक ऑफिशियल तौर पर येटी का एक रियल फुटप्रिंट के बारे में दिखाएंगे, जो कि इंडियन आर्मी ने पूरी तरह सच होने का दावा किया है। और अंत में हम आपको एक रियल बिगफुट की वीडियो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो जब मैं 8 साल का था, मैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उत्तरी जॉर्जिया के एक पहाड़ी एरिया में रहते थे। तो यह घटना सितंबर की एक गर्म रात की थी। कुछ ही दिन बाद मेरा बर्थडे था और मैं घर में बैठकर गेम खेल रहा था। मैं और मेरे ग्रैंडपा आपस में बात कर रहे थे और मेरे ग्रैंडपा ने मुझे घर का कचरा बाहर फेंकाने को कहा, तो मैंने भी अपने गेम को रोका और जूता पहन लिया। तो इसी बीच मैं गैराज की ओर जाता हूँ और उस कचड़े के बैग को ग्रैंडपा के ट्रक में लादने के लिए गैराज का दरवाज़ा खोलता हूँ और गैराज की लाइट चालू करके उस बैग को ट्रक में फेंकता हूँ, ताकि दूसरे दिन ग्रैंडपा उसे बाहर फेंक सके। पर उस बैग को फेंकने के बाद मुझे थप से आवाज़ आई, इसका मतलब कि वह बैग जमीन पर गिरा होगा, मतलब कि मुझे फिर से गाड़ी के पीछे जाकर उस बैग को ट्रक में रखना था। पर मैं अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डरता था और इसके अलावा तब मैं 8 साल का एक बच्चा था। खैर जो भी हो, दौड़ते हुए जाऊंगा और बैग को जल्दी से ट्रक में रख कर चलाऊंगा, ये मैं मन ही मन सोचने लगा। गैराज में कम रोशनी की लाइट रखे होने की वजह से मुझे डर भी काफ़ी लग रहा था, पर कोई और रास्ता नहीं था। बार बार मुझे यह भी लग रहा था कि वहाँ मुझे कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा। तो जब मैं दौड़कर उस बैग को उठा रहा था, तभी मैंने अपने से कुछ ही दूर घने जंगलों में एक बहुत बड़ी परछाई खड़ी देखी। पहली नज़र में तो वह कोई इंसान लग रहा था, पर थोड़ा गौर से देखने के बाद मुझे पता चला कि उसका पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था और उस परछाई की लंबाई भी करीब 11 फीट की थी। तो उस चीज को देखकर डर से मैं वही जम गया। मुझे लगातार ये लग रहा था कि अगर मैं उससे पीछे मुड़कर भागूंगा तो वह चीज़ मुझ तक पहुंचकर मेरा काम तमाम कर देगा। तो इसी बीच मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, उसकी ओर से नज़र हटाए बिना। तो धीरे धीरे पीछे हटते हटते मैं उस जगह पर पहुँच गया जहाँ गैराज का दरवाज़ा था, और गैराज के दरवाजे तक पहुँचते ही मैं जितना तेज़ हो सका उतनी तेज़ दौड़ा और लगातार सीधे घर के अंदर ही पहुँचा। घर के अंदर पहुँचते ही मैंने ज़ोर ज़ोर से अपने ग्रैंडपा को बुलाना शुरू कर दिया और कहने लगा, ग्रैंडपा आप जल्दी से अपना शॉटगन निकाल लीजिए, बाहर कुछ दूर जंगलों में कोई चीज़ है जो कि काफ़ी बड़ी है और वह 2 पैरों पर चल रही है, पता नहीं वह क्या है पर मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इसी बीच जल्दी से मेरे ग्रैंडपा ने भी अपना शॉटगन निकाल लिया और मेरे साथ वहाँ चलने लगे। हमने वहाँ जाकर चारों ओर देखा पर वहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो इसी बीच मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे कहा कि क्या तुमने सच में वहाँ कुछ देखा था, शायद कुछ और ही देखा होगा। खैर जो भी हो, रात बहुत हो गई है, घर के अंदर चलते हैं। कई घंटे बीत गए और कुछ भी असामान्य घटना नहीं घटी, पर मैं भी सोचने लगा था शायद वह कुछ और ही होगा। और यह सब सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, पर रात के करीब 1 बजे मेरी नींद एक बुरे सपने की वजह से टूट गई और सपने में मैंने उसी चीज़ को देखा था। मेरी नींद खुलते ही मेरी नज़र अपने आप खिड़की पर गई, जिसके बाद मेरे दिल की धड़कन मानो रुक सी गई हो। दरअसल उस हल्की हल्की रोशनी में, जो कि मेरे रूम के नाइट बल्ब की थी, उसमें मैंने देखा
एक बहुत बड़ा सा साया, जो कि वही था जिसको कि मैंने कुछ देर पहले देखा था। शरीर में लंबे लंबे बाल और वह खिड़की से अंदर की ओर देख रहा था। उसकी चमचमाती आँखें, वह देखकर मेरी तो सांस ही अटक गई थी। कुछ देर तक खिड़की के अंदर झांकने के बाद वह बाहर हमारे घर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। पता नहीं क्यों मैं साफ साफ उसके कदमों की आवाज को सुन पा रहा था और बार बार यह सोच रहा था कि अगर मैंने ग्रैंडपा को बुलाने की कोशिश की तो वह चीज कुछ ही सेकंड्स में खिड़की के अंदर आकर मुझे वही मार देगा। और इसीलिए मैं उसी बेड पर एकदम शांत किसी लाश की तरह पड़ा रहा। पता नहीं कितने देर तक यह सब चला होगा और कब मेरी आंख लग गई, और उस दिन के बाद से मैंने उस चीज को फिर कभी नहीं देखा। तो उस घटना के कई साल बाद जब हम उस घर को छोड़कर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके थे, पर मैं उसी सेम स्कूल में पढ़ता था जो कि उसी एरिया में था। खैर जो भी हो, समर के एक दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड केविन ने सोचा क्यों ना उस एरिया के जंगलों में जाकर देखा जाए। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसी बीच कैंपिंग भी कर लिया जाए। तो उसी वीकेंड में मैं और मेरा दोस्त केविन उसी जंगल में कैंपिंग के लिए निकल गए। हमने साथ में कुछ ज़रूरी सामान और एक रिवॉल्वर भी अपने साथ सेफ्टी के लिए रख लिया था। तो हम इसी बीच जंगल के अंदर एक अच्छी सी जगह में टेंट लगाने के बारे में सोचने लगे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि हमारे ऊपर कोई चीज़ नज़र रखी हुई है। पर मैंने केविन को कुछ नहीं बोला। और उसके कुछ देर बाद जब हमने टेंट लगा लिया, तभी हमने जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनी। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी पेड़ की टहनियों में टक टक की आवाज़ हो रही हो। इस आवाज़ को सुनकर हम बहुत ज़्यादा डर गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। और इसी बीच अब वह आवाज़ें भी हमारे चारों ओर से आने शुरू हो गई, जिसके चलते हमने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। पर हम वहाँ से भाग पाते इससे पहले ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर आकर गिरा। वह पत्थर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अगर वह पत्थर हमारे ऊपर गिरता तो हमारी मौत तो पक्की थी। और इसी बीच पता नहीं कहाँ से हमारे चारों ओर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, और इसके साथ साथ वह टकटक की आवाज़ें भी और तेज़ी से बजने लगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और इसलिए हम सोचने लगे कि हमारी मौत तो आज पक्की हो जाएगी। कि तभी हमारी नज़र में वह रिवॉल्वर आ गई। हमने उस रिवॉल्वर को हवा में चला दिया और तभी सब कुछ अचानक एकदम से ही शांत हो गया, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। और तभी हम भी वहाँ से भागने लगे और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो उस दिन के बाद से हम उस जंगल की ओर कभी गलती से भी नहीं गए। और उसके बाद इंटरनेट पर थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वह बिगफुट या सासास्क्वॉच ही हो सकता है, जिसका मैंने दो बार सामना किया है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी स्टोरी, जो कि हमने रेडिट से ली है, जिसको कि ब्रैडले इनोवेट्स नाम के एक यूज़र ने शेयर किया है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की ओर, जो कि टॉड स्टैंडिंग नाम के एक रिसर्चर द्वारा एक वेबसाइट पर शेयर किया गया है। और यह है इंडियन आर्मी द्वारा बिगफुट की इंटरनेट पर शेयर की हुई रियल फुटप्रिंट्स। तो दोस्तों, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय।